गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। ये जो आप देख रहे हैं नज़ारा, ये गंदगी, ये कटिहार का न्यू बस स्टैंड है, जो कि अभी उद्घाटन तो हो चुका है बट इसका शुरुआत नहीं हुआ है, क्योंकि कटिहार में रेलवे के पास जो गौशाला है वहां पे ओवरब्रिज का काम चल रहा है। और ये जो आप रूट देख रहे हो, ये जो सड़क गई है, ये डायरेक्टली आपका मनिहारी गई है, और वहां से डायरेक्टली आपका साहेबगंज की तरफ, जो जहाँ पे कि आप लोगों को पता है एक बार लॉन्चर भी डूबी थी, तो डायरेक्टली आप साहेबगंज एंट्री कर जाते हैं। और यहाँ से आप देखिए ये पूरा कचरा का गुबार। फिर हम चलते हैं आज, और आज हम देखते हैं गोभी का खेती कैसे किया जाता है, कैसे काटा जाता है। ये पूरा देखिए आप, गोभी का इलाका है, और यहाँ पे सब्जी का जो है वो तीन तीन फसल उपजता है। और ये आप गोभी का साइज़ देखें। फिर हम पीछे की तरफ चलते हैं धीरे धीरे। और ये आप लोगों को पता है कि ये फूल गोभी है, और आप लोगों को भी अगर लेना हो तो आप लोग ज़रूर कटिहार संपर्क कीजिए। और यहाँ पे पास में ही आपका ये कोल्ड स्टोरेज है, किसान कोल्ड स्टोरेज। यहाँ पे जूट मिल भी रह चुका है जो कि बंद हो चुका है। ये पूरा देखिए आप, अभी तो छोटा छोटा साइज़ में है, बट पीछे की तरफ हम चलते हैं और वहाँ पर कुछ देखते हैं व्यापारी लोग हैं जहाँ पर कि काटा जा रहा है। और ये सूर्यास्त का समय, और पीछे आप जब देखिएगा तो रेलवे लाइन भी गुजरा हुआ है, जो कि काफ़ी मनमोहक और अच्छा नज़ारा है यहाँ का। देखिए दूर दूर तक, और मेरी ये सौभाग्य है कि एक किसान के परिवार से होते हुए आज किसान का फसल देखने को मिल रहा है। बहुत खुशी हो रही है, ये हरा भरा पूरा खेत। और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, सरकार से भी है, किसान के प्रति आप थोड़ी सहानुभूति दिखाएं। उनका जो पेट्रोल डीजल या फिर खाद वगैरह का जो इशू है, तो वो थोड़ा सा अच्छे से मिले और टाइम पे मिले, क्योंकि जब बुआई का समय आता है तो उस समय यूरिया की बहुत किल्लत होती है, और डीजल भी थोड़ा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा और हरा भरा। यहाँ देखिए कैसे किसान लोग रहते हैं, इसमें सोते हैं दिन रात, जब इनको देखना होता है, जोगना होता है कि सामान कहीं हमारा चोरी ना हो जाए। ये देखिए आप कौन से साइज का गोभी कटा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा पीछे की तरफ भी देख लेते हैं रेलवे लाइन को, और हरा हुआ सुहावना मौसम, बिहार की खूबसूरती आज भी आप लोगों को कहीं ना कहीं गांव के तरफ लेके आती है। सरकार से भी मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बिहार में जो कि खेती एक प्रमुख व्यवसाय है, उसकी तरफ एक ध्यान दिया जाए। किसानों को किस तरह से हम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं ताकि ये चीज़ नहीं छूटे, और साथ ही साथ जैविक खेती हो, और कुछ फैक्ट्रियां भी लगाई जाए, ताकि यहाँ के जो युवा हैं वो अपने बिहार को छोड़ के अदर स्टेट नहीं जाए। यहाँ पे भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, ऐसी हमारी सरकार से गुजारिश है। फ्रेंड्स, तो फाइनली हम पहुंच गए। ये जो आप रेलवे लाइन देख रहे हैं, ये आपका कटिहार मनिहारी रेल लाइन है, जो कि सिंगल ही है। आशा है, उम्मीद है आप सभी को, अगर हमारा ये वीडियो जो कि किसानों से संबंधित था, छात्रों के हित में था, आप लोगों को अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और सरकार तक बात पहुँचाने की कोशिश करें, जो कि हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ सरकार तक ज़रूर बात पहुँचे और वो सोचे
जय हिंद, जय भारत।